लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सपा व्यापार महासभा के जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता के नेतृत्व में विसंगतिपुर जीएसटी के विरुद्ध डीएम के माध्यम से राज्यपाल को दिया ज्ञापन। महाराजगंज जिले में आज सपा व्यापार महासभा के जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता के नेतृत्व में विसंगतिपुर जीएसटी के विरुद्ध डीएम के माध्यम से राज्यपाल को दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि विसंगतिपुर जीएसटी बढ़ती कमर तोड़ महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में जिलाधिकारी महाराजन के माध्यम से राजपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया। साथ ही विधानसभा फरेंदा के अंतर्गत कुलही में साना ज्वेलर्स की दुकान में हुई विश्व चोरी का खुलासा अब तक न होने से पुलिस कप्तान से मिलकर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। समाजवादी पार्टी व्यापार महासभा के जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने बताया कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होते ही उत्तर प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। जटिल व विसंगतिपूर्ण जीएसटी बिना रायसला के लागू कर दी गई है, जिसका उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में व्यापारियों ने विरोध किया। नोटबंदी के बाद इंस्पेक्टर राज व जटिलता को बढ़ाने वाली जीएसटी की वजह से लाखों व्यापारी व्यापार बंद करने को मजबूर हुए। जीएसटी इतनी जटिल व विसंगतिपूर्ण है कि लागू होने के बाद से अब तक लगभग 900 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने बगैर तैयारी, बगैर सलाह किए और बगैर व्यापारियों को विश्वास में लिए ही नोटबंदी की ही तरह जीएसटी भी लागू कर दी थी। जीएसटी इतनी जटिल और अभियुरीकी है कि स्वयं विभाग के अधिकारी, सीए, अभिवक्ता भी इसको समझ नहीं पाते हैं, तो आम व्यापारी इसको क्या समझेगा। किसी भी संशोधन से पहले व्यापारियों से कोई बात नहीं की गई और न ही जीएसटी को लेकर व्यापारियों की परेशानियों को जानने का कोई प्रयास ही किया। प्रतिदिन एक नया प्रावधान लागू कर दिया जाता है कि क्रियान्वयन करना व्यापारियों के लिए बेहद मुश्किल भरा है। वन नेशन वन टैक्स का वादा करके भाजपा सरकार ने अपने खजाने को भरने के लिए पेट्रोल, डीजल, बिजली को जीएसटी से बाहर रखा। भाजपा सरकार ने जल्दबाजी में बगैर तैयारी, बगैर सलाह की नोटबंदी, फिर जीएसटी और फिर लॉकडाउन करके देश विशेषकर उत्तर प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों को बर्बाद कर दिया है। जटिल विसंगतिपूर्ण जीएसटी की वजह से व्यापारी भयंकर तनाव में है और समस्या झेल रहे हैं। इंस्पेक्टर व उत्पीड़न की अति है, तब 4 साल में जीएसटी में 900 से ज्यादा संशोधन करने पड़े और अधिकारी, सी, अभिवक्ता व व्यापारियों इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी जीएसटी व ऐसे कानून का क्या मतलब, यह व्यवहारिक नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाती है कि वर्तमान स्वरूप में जीएसटी को रद्द करके व्यापारी प्रतिनिधियों से सलाह करने के बाद ही उचित बदलाव करके नया कानून बनाए ताकि व्यापार लायक माहौल बन सके। यह देश और व्यापारी के हित में होगा। आपसे आग्रह है कि समाजवादी व्यापार सभा की इस मांग पर उचित कार्रवाई करने की कृपया करें। इस मौके पर विनोद गुप्ता, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा, सपा जिलाध्यक्ष अमीर खान, वीरेंद्र कनौजिया, संजय यादव सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी, विधायक सहारनपुर के निर्देश पे जीएसटी में तमाम विसंगतियाँ जो लागू की गई है, व्यापारी समाज समझ नहीं पा रहा है, वकील समझ नहीं पा रहे हैं, सर्टेक्स अधिकारी मनमानी तौर पे सरकार जीएसटी पे जीएसटी लगाए जा रही है, व्यापारियों को तमाम परेशानी हो रही है। आज राज्यपाल महोदय के नाम जिलाधिकारी भराजल को एक ज्ञापन दिया गया कि जीएसटी का संशोधन किया जाए। विधायक संजय गर्ग जी प्रदेश समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जीएसटी से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं व्यापारियों की? जीएसटी से तमाम परेशानियां हो रही हैं व्यापारियों की। तमाम टाइप के टैक्स जमा किया जा रहा है, इनकम के नाम पे कुछ नहीं है, सारा टैक्स वसूल करके सरकार के खजाने में दिया जा रहा है। व्यापारी परेशान है, कितने व्यापारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, व्यापारी व्यापार करना छोड़ रहा। जीएसटी क्या चाहते हैं आप लोग? जीएसटी में संशोधन हो, व्यापारियों से बात किया जाए, एक तरह का टैक्स लागू हो, यही यही चाहते हैं सरकार।